कैसे हैं भाई दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। एक बार सभी साथी ऑडियो वीडियो दोनों के बारे में कमेंट करके बताएंगे कि कैसा आवाज़ वगैरह आ रही है, क्लियर वगैरह है या नहीं। राज्यवार यात्रा में एक धुआंधार सेशन चला हुआ है। राज्यवार यात्रा, देखो राज्यवार यात्रा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साफ सा ये है कि भाई यहाँ पर हम राज्यों की डिटेल पढ़ रहे हैं, कितने राज्य हो चुके हैं। आज मुझे लगता है सेशन हमारा चौथा ही है, चार नंबर का सेशन है। इससे पहले तीन क्लास हो चुकी है और लगभग पांच राज्यों के बारे में मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, टोटल कितने करवाने हैं मुझे भैया? 28। ओहो, एक तो ये आज मार्कर हमारे पास बहुत अच्छा है, लेकिन हम जो है 28 प्लस 8, 28 राज्य करवाने हैं और 8 यूनियन टेरिटरी के बारे में करवाना है। भाई एक बार ये चलो साथ साथ बता दो, 8 यूनियन टेरिटरी कौन सी है? दो तो ऊपर हो गई, कौन कौन सी याद कर लो मेरे साथ। जितने जीडी के बच्चे हैं, सीएचएसएल के हैं, सीजीएल के, किसी भी एग्जाम के हो, मैं कहता हूं जो बच्चा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है यहां से क्वेश्चन आ जाता है मेरे भाई, कैसा कि आप यूनियन टेरिटरी के बारे में बता दो। यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी है? सबसे पहले ऊपर याद करो, ऊपर कौन कौन सी है आपकी? जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो हो गई, उसके बाद थोड़ा नीचे आ जाओ यहां पर चंडीगढ़ और दिल्ली, कितनी हो गई? चार हो गई। उसके बाद दादर नगर हवेली और दमनदीप, कितनी हो गई आपकी? पांच हो गई। ठीक है, उसके बाद आपकी यहां पर पुडुचेरी छह हो गई, उसके बाद अंडमान निकोबार सात और लक्षद्वीप आठ, आठ यूनियन टेरिटरी हो गई। सभी को याद है या नहीं? ठीक है, यस या नो? चलिए आज हम एक स्टेट पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही दमदार मजे का स्टेट है, बहुत ही सुंदर है और बड़ी शानदार खड़ी भाषा है भाई, सभी को प्यार है वहाँ की लैंग्वेज से। ठीक है, और बहुत ही सुंदर, मेरा फेवरेट स्टेट है और मेरे राज्य की सीमा भी लगती है भाई, हरियाणा आपके सामने बना हुआ है मैप में। आज हम हरियाणा पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम जो है राजस्थान पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं, अब हम बात कर लेते हैं हरियाणा की स्थापना की बात कर लेते हैं। 1 नवंबर 1966 को स्थापना हुई थी, राजधानी है भाई चंडीगढ़, राजधानी क्या है? चंडीगढ़। ठीक है, कुल जिले कितने हैं? 22 हैं और जनसंख्या आपको याद नहीं करनी, आपको एरिया भी याद नहीं करना, आपको दो ही चीज़ें याद करनी है। चलो मुझे एक बार बताओ, एक बात ये बताओ, 1 नवंबर 1966 को जो स्थापना हुई है वो कौन कौन से राज्य हैं? कौन कौन से राज्य हैं वो देखते हैं कि कौन कितने कितनी चीज़ें आपको याद है। बेटा मेंस की क्लास अभी से नहीं चलेगी, मेंस की क्लास अभी नहीं चलेगी, 16 तारीख से चलेगी। आपने पेमेंट कर दिया कोई बात नहीं, मेंस वाली क्लास बेटा 16 तारीख से चलेगी, चार दिन बाद से चलेगी। ठीक है, आ तो आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, ओके, वेरी गुड। ठीक है भाई, चलिए तो देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं बाकी। चलिए, हरियाणा का स्थापना दिवस 1 नवंबर, इस प्रकार से बेटा क्वेश्चंस भी आएंगे। हरियाणा का स्थापना दिवस, आज हमारे कंटेंट डेवलपर ने बहुत मेहनत की, इसका मतलब साथ ही साथ क्वेश्चंस भी लगा दिए, थैंक यू सो मच भाई साहब। नवंबर आपका हरियाणा का, ठीक है, हरियाणा का स्थापना दिवस 1 नवंबर वर्ष 1966, ऐसे क्वेश्चन आएंगे भाई डायरेक्ट आपके एग्जाम में। उसके बाद देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में ये 20वां स्थान रखता है, आपको याद नहीं करना, आपको याद करना है कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा आपको याद रखना है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो है वो राजस्थान है और सबसे छोटा कौन सा है? गोवा सबसे छोटा है, ये आपको दो चीज याद रखनी है। ठीक है, अब जैसे मैंने यूपी के चार जिले बताए थे, बलिया, शामली, सहारनपुर, सोनभद्र, याद है, ऐसे हरियाणा के चारों जिले याद कर लेना। ठीक है, अगर हम बात करें, देखना सबसे इधर आपका यमुनानगर, सबसे पूर्वी यमुनानगर और सबसे पश्चिमी आपका सिरसा। ठीक है, और सबसे उत्तर में आपका भाई आपका पंचकुला है और आपका दक्षिण में मेवात जिला है और टोटल जिले कितने हैं? टोटल 22 है। टोटल कितने हैं मेरे भाई? टोटल 22 जिले हैं, सभी को याद है। ठीक है, सर कंप्लीट कितने दिनों में हो जाएगा? मुश्किल से 4-5 क्लास हम स्पीड के साथ खींचेंगे तो फिर 5-6 क्लास में हो जाएगा।
ठीक है, हरियाणा के, जैसे हरियाणा के नॉर्थ ईस्ट में, हरियाणा के नॉर्थ ईस्ट में आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर एक चीज, ये पेन चल नहीं रहा एक तो, देखो अरावली सीरीज याद कर लो बेटा, इसीलिए मैंने कहा ये वाली प्लेलिस्ट राज्यवार यात्रा की पूरी करनी है आपको, क्योंकि यहाँ पर मैं चीज़ें आपको बहुत खतरनाक लेवल पे करवा रहा हूँ। अरावली की बात करते हैं, अरावली की लंबाई बेटा 800 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबी है? 800 किलोमीटर लंबी। ये किस किस राज्य से गुजरती है बेटा? दिल्ली रिज से लेके, यानी दिल्ली से गुजरती है, दिल्ली के बाद हरियाणा से गुजरती है, हरियाणा के बाद ये आपका राजस्थान से गुजरती है, और सबसे ज़्यादा एरिया भी इसमें राजस्थान में ही है, उसके बाद गुजरात, और ये टोटल लंबाई बैठती है 800 किलोमीटर। इसमें हाईएस्ट पीक कौन सी है? हाईएस्ट पीक 1722 मीटर वाली आपकी गुरु शिखर है। 1722 मीटर में कौन सी है? गुरु शिखर है। ठीक है, अब याद रखना, जैसे पूछा गया कि हरियाणा के किस क्षेत्र में शिवालिक, तो आपका नॉर्थ ईस्ट में शिवालिक रेंज है। नॉर्थ ईस्ट में क्या है? शिवालिक रेंज है। वेरी गुड। देखो स्टैटिक राज्यवार यात्रा का जो उद्देश्य है वो ये है कि हर राज्य के बारे में डिटेल में पढ़ाना। वो हर एग्जाम के लिए आते हैं, तो बार बार ये मत पूछे सर केवल एसएससी जीडी के लिए, हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे लाल, हर एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिएगा। राज्यों की सीमा स्पर्श करने वाले जिले, ठीक है, राज्यों की जो केंद्र शासित प्रदेश है, अब कौन सा है भाई? दिल्ली है। मैंने अभी 8 यूनियन टेरिटरी बताए थे, कौन कौन बच्चा 8 की 8 यूनियन टेरिटरी, 8 के 8 केंद्र शासित प्रदेश किसको याद है? ठीक है, 8 की 8 यूनियन टेरिटरी किस किस को याद है बताइए कमेंट सेक्शन में। अभी करवाई थी ना, तो आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप 5 होती है, पुडुचेरी 6 होती है, लक्षद्वीप 7 होती है, अंडमान निकोबार कितनी होती है? 8। एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि मुझे ये बताइए अंडमान एंड निकोबार की राजधानी क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा आंसर दीजिए लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, और तीसरा दीजिए चंडीगढ़ की क्या राजधानी है, और चौथा नंबर का दीजिएगा दिल्ली की क्या राजधानी है। ये देखना चाहता हूं आप 1 2 3 4 नंबर डाल के इनके आंसर करिएगा। अब हरियाणा किस यूनियन टेरिटरी से लगता है? तो वो आपका दिल्ली और चंडीगढ़ से लगता है, तो दोनों की राजधानी आपको पता होनी चाहिए। हरियाणा के साथ अगर स्टेट कौन कौन से बाउंड्री बनाते हैं, तो अगर ये पूछा जाए तो भाई देखो राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ठीक है, हरियाणा पंजाब तो भाई भाई माने जाते हैं, कहा भी जाता है। वेरी गुड भाई। नहीं पता सर, कैसे नहीं पता? देखो दिल्ली की नई दिल्ली है, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है, अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर है, लक्षद्वीप की आपकी कवरती है। लक्षद्वीप के बारे में 3 से 4 फैक्ट आपको याद रखने हैं। क्या क्या याद रखोगे? नोट डाउन कर लीजिएगा तुरंत बेटा। लक्षद्वीप के बारे में क्वेश्चन आएगा एसएससी जीडी में, लक्षद्वीप के बारे में बातें याद कर लेना। नंबर 1, लक्षद्वीप का जो एरिया है वो है आपका 32 किलोमीटर स्क्वायर का, 32 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। टोटल यहां पर 36 द्वीप है, और ये आपका अरब सागर में स्थित है। कहां पर है मेरे लाल? अरब सागर में स्थित है, और एक यूनियन टेरिटरी है, अरब सागर में स्थित है, 36 द्वीप है, 32 किलोमीटर में फैला हुआ है। यहां की राजधानी मलयालम है। यहां की राजधानी क्या है? मलयालम है। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बिल्कुल भाई गीतांजलि, वेरी गुड। ठीक है, बहुत सुंदर भाई प्रीति, वेरी गुड, बहुत सुंदर देव, वेरी गुड, बहुत सुंदर भाई रजत जी, बहुत सुंदर। चलिए हर साथी सेशन को शेयर जरूर करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और नोट डाउन करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि भाई हरियाणा की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ है, तो वो राजस्थान के साथ है। अभी राजस्थान के मैंने बात बात में 2 फैक्ट याद करवा दिए। आपसे पूछा जाए अरावली सबसे ज्यादा, अरावली श्रेणी सबसे ज्यादा किस राज्य में है, अरावली सीरीज सबसे ज्यादा किस राज्य में, आपको बताना है राजस्थान में है, आपको बताना है राजस्थान में। देखो भरोसा बड़ी जरूरी चीज होती है, आपको भरोसा करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे शुरुआत में कहते थे कि आप 50 दिन 50 मैराथन से फायदा हो पाएगा। हमने लगभग 37 क्लास उसमें करवाई थी, 50 दिन 50 मैराथन के अंतर्गत 37 घंटे पढ़ाया था, 37 मतलब लगभग तो 50 घंटे पढ़ाया था, 1.5 घंटे की भी क्लास थी। बच्चे का इतना अच्छा रिस्पॉन्स, इतना अच्छा रिस्पॉन्स, हर दिन इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सअप पे, दुनिया भर के टेलीग्राम पे मैसेज आ रहे हैं कि सर आपने जो 50 दिन 50 मैराथन करवाई, आपने जो PDF दी है स्टैटिक जीके की, सर मजा आ गया। PDF से कुछ बच्चे कह रहे 3 क्वेश्चन फंसे, कुछ कह रहे 4 फंसे, 5 फंसे। एक पॉलिटी की बुक दी थी, नहीं किसी के पास है, RG विक्रमजीत एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी, मात्र 11 पेज की है। ठीक है, बच्चा देख के इतना खुश हो रहा है कि सर इसी ई बुक से 2 2 3 3 क्वेश्चन पॉलिटी के आ रहे हैं, वो सारे ई बुक से आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है,
लो आनंद वर्मा जी अभी कह रहे हैं सीजीएल में मैराथन से फायदा हुआ है, बहुत सारे बच्चों को हुआ। तो मैंने कहा भरोसा करो, यहां पर जीडी लिखा रहा है इस बात से आपको फर्क नहीं पड़े, 2023 लिख रहा है इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको मैंने कह दिया जो बच्चा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है वो एक क्लास नहीं छोड़ेगा, साथ ही साथ 6 बजे वाली भी क्लास नहीं छोड़ेगा। 6 बजे आरजी स्टेट एग्जाम पर क्लास चलेगी, धुआंधार क्लास चलेगी। जिसको थ्योरी पढ़नी है बेटा, फ्री ऑफ कॉस्ट थ्योरी चल रही है। आज मैं आपको बता देता हूं 6 बजे टॉपिक चलेगा कौन सा, फंडामेंटल राइट्स का, मूल अधिकार का टॉपिक चलेगा। याद रखना ऐसा टॉपिक रहेगा कि आप कहीं भी पढ़ लेना, पेड क्लास में पढ़ लेना, कहीं पढ़ लेना, कंप्लीट थ्योरी 6 बजे आपकी चल रही है। कहां पर? आपकी मूल अधिकार का टॉपिक रहेगा, ऐसे कंप्लीट थ्योरी वहां पर चलेगी पूरी चैप्टर वाइज। ठीक है, ठीक है, हाँ पढ़ना आपको पड़ेगा, बस भरोसा। उसके बाद ठीक है, राखी गढ़ी ये सबसे बड़ी साइट है किसकी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ठीक है, ये हड़प्पा स्थल है, कहां पर है? हरियाणा के हिसार जिले में। इतिहास में 10 बार क्वेश्चन पूछा गया, मैंने कहा राज्यवार यात्रा में सारी चीज आ जाएगी, आप करके तो देखो। ठीक है, हाँ ये बेटा सीएचएसएल के टारगेट मान लो, लो मैंने लिख दिया यहां पर सीएचएसएल, अब पढ़ो। ठीक है, उसके बाद देखो राखी गढ़ी इंडस वैली का मैंने यहां पर करवाया आपको। राज्य की सबसे लंबी सीमा राजस्थान से, राज्य की सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश से। अभी हिमाचल प्रदेश पिछली क्लास में कंप्लीट करवाया था, आपको याद होगा देवभूमि कहा जाता है। चलो मुझे बताओ किस राज्य को आपकी फलों की टोकरी का राज्य कहते हैं, फलों की टोकरी का राज्य किसे कहते हैं, फलों की टोकरी का राज्य, फलों की टोकरी का राज्य किसे कहते हैं, आपको पिछली क्लास में करवाया था। नंबर एक क्वेश्चन, नंबर दो क्वेश्चन का आंसर करो, आपका एप्पल स्टेट किसे कहते हैं, ए फॉर एप्पल सीखा था ना बचपन में, एप्पल स्टेट किसे कहते हैं, एप्पल स्टेट किसे कहते हैं, ये दो क्वेश्चन पढ़ाए थे। नंबर तीन, पिछली क्लास का थोड़ा सा टेस्ट और ले लेता हूं, मुझे बताओ कि जो आपका भाकड़ा नागल डैम है, जो आपका भाकड़ा नागल बांध है ये किस नदी पर है, ये भी बताओ। चलो मैंने कहा ये क्लास सबसे जबरदस्त होने वाली, जो बच्चा पूरी देखेगा वो जीवन भर तारीफ करेगा इस क्लास की, और जो बच्चा थंबनेल से इन सबसे चीजों को सोचेगा कि राज्यवार यात्रा पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे वो पछताएगा, और फिर क्या पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत, बाद में कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़े। अब देखो मैंने कहा सारी चीजें मत याद करना, आप लिख लेना, लिख लेना सभी चीजें, मतलब याद मत करना। ठीक है, कुछ चीजें आपको याद करनी है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, 3 बार पूछ चुका हूं आज चौथी क्लास में, तीसरी बार पूछ रहा हूं कि यूपी का खेल क्या है, राज्य के खेल क्या है। क्यों पूछता हूं? क्योंकि हर एग्जाम में एसएससी में पूछा बेटा, जीडी में 10 बार पूछा है, सीएचएसएल में पूछा है। ठीक है, ओके, ठीक है। राज्य के पशु आपका कृष्ण मगर या कृष्ण मग, आपका मृग या काला हिरण। राज्य के पक्षी काला तीतर, ठीक है, काला तीतर। राज्य के वृक्ष आपका पीपल। राज्य के पुष्प कमल। ठीक है, राष्ट्रीय खेल कुश्ती, ये याद कर लेना बस। राज्य के खेल क्या याद करना है, इसमें हरियाणा में आपको कुश्ती। ठीक है, राज्य के नृत्य शांग। ठीक है, और अगर वहां का पूछे उत्तर प्रदेश का तो क्या बताओगे? वेरी गुड, जिन्होंने हॉकी आंसर किया है बहुत सुंदर, और जिन्होंने सतलज आंसर किया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सतलज सही है बेटा। और साथ ही साथ याद कर लीजिएगा कि सतलज नदी वह नदी है जो आपकी तिब्बत में राक्षस ताल से निकलती है। कहां से निकलती है? राक्षस ताल से निकलती है। जैसे मुझे फैक्ट याद है ना सारे, ऐसे ही आपको हो जाएंगे, बस टर्म एंड कंडीशन एक है कि आपको पढ़ते रहना है। और भाई देखो हरियाणा में सांग और रागणी, जो हरियाणा से जुड़ा है सांग और रागणी के बारे में बहुत अच्छा पढ़ता होगा, नहीं पता है तो बाद में आप भी मनोरंजन करने के लिए यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, सपना चौधरी की रागणी या पंडित लक्ष्मीचंद की रागणी। ठीक है, तो बहुत, खैर रागणी में तो आप डांस में करोगे तो सपना चौधरी सर्च कर लेना, वैसे रागणी पे जो है आपका पंडित लक्ष्मीचंद, हरियाणवी में एक से एक रागणी उन्होंने दी है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। 6 बजे क्लास जो होती है बेटा वो होती है आपकी आरजी स्टेट एग्जाम पर, आरजी स्टेट एग्जाम पर, आरजी स्टेट एग्जाम पर। राज्य के भाषा, जैसे मैंने आपसे कहा था कि भाई आपको मध्य प्रदेश की याद रखनी है हिंदी, मध्य प्रदेश की हिंदी। अगर बात करें उत्तराखंड की तो आपको क्या रखना है? हिंदी और संस्कृत। आपको पंजाब की बात करें, हिंदी आपका, हिंदी भी है, उर्दू भी है, पंजाबी भी है। ठीक है, हिंदी उर्दू, हिंदी उर्दू पंजाबी। अगर हम बात करें हरियाणा की तो हिंदी भी है, पंजाबी भी है, उर्दू भी है, हरियाणवी भी है। याद करने में क्या जा रहा है, जब सारी चीज को रिलेट करके पढ़ेंगे तो खुद पे खुद याद हो जाएगा ना। ठीक है, विधायिका कैसी है यहाँ पर? एक सदनी। एक सदनी का मतलब यहाँ पर केवल क्या है, यहाँ पर विधानमंडल में केवल विधायिका विधायिका है, मतलब
आपकी विधानसभा, विधानमंडल ऐसे होता है, विधानमंडल में बोलते हैं विधानसभा एंड विधान परिषद, क्या है विधान परिषद, ये भी मैं आपको पूरी चीज डिटेल में करवाने वाला हूं, एक भी चीज घबराना मत, आरजी स्टेट एग्जाम चैनल पे ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी, यहां पर भी करवाऊंगा विधानमंडल, विधान परिषद, विधान परिषद, ठीक है, विधानसभा, नगर पालिका, नगर पालिका, नगर परिषद, ये सारे एग्जाम से पहले पॉइंट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल फ्री है बेटा, पेड क्लास, 6 बजे वाली बिल्कुल पेड क्लास नहीं है, फ्री क्लास है, वो आपको वहां पर मिलेगी। लोकसभा की सीटें आपको याद करनी है हरियाणा की, और राज्यसभा की सीटें सबसे ज्यादा कहाँ की है, 31 कहाँ की, यूपी की, ठीक है। सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें कहां पर है आपकी, 80 कहां पर, यूपी में। अब यहां पर कितनी है, 10, तो हरियाणा की याद करेंगे, हरियाणा की लोकसभा की सीटें कितनी है, 10, राज्यसभा की सीटें कितनी है, 31। उसके बाद विधानसभा के सदस्यों की संख्या याद रखना चाहो तो रख लो, ठीक है, वैसे जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हाँ लोकसभा की सीटें मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, ठीक है, वेरी गुड। और भाई ये सारे पॉइंट तो आपको याद करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे साथ बच्चे वो भी पढ़ रहे हैं जो हरियाणा का सीईटी देंगे, और उसके बच्चे वही बच्चे हैं जो सीजीएल भी दे रहे हैं, हर परीक्षा दे रहे हैं, तो मैं यहीं के यहीं याद करवा दूंगा। मेरे साथ याद करो, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो कौन सा है आपका सबसे बड़ा जिला, सिरसा, ठीक है। अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, अगर सबसे बड़ा सिरसा है तो सबसे छोटा कौन सा बेटा, फरीदाबाद, और फरीदाबाद में एक मेला लगता है, उस मेले का नाम कौन बताएगा क्लास में, फरीदाबाद में एक मेला लगता है, मोस्ट इंपोर्टेंट मेला लगता है, कौन सा मेला लगता है बताओ, 90-10-5 याद रखना है, 90 आपकी विधानमंडल है, विधानसभा में है, 10 आपकी लोकसभा में है, उसके बाद 90, 10 और 5 कहां पर है, राज्यसभा में, ट्रिक के साथ याद कर सकते हो, ठीक है, वेरी गुड, बहुत सुंदर। उसके बाद भाई जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, ठीक है, देखो सब, अगर आप बात करें एरिया में सबसे छोटा, एरिया में सबसे छोटा फरीदाबाद, और जनसंख्या में सबसे बड़ा आपका फरीदाबाद, तो जनसंख्या घनत्व में यही होगा, इसका मतलब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा पंचकुला, और भाई सबसे ज्यादा जहां पर लिटरेसी है, सबसे ज्यादा जहां पर साक्षरता है, वो कहां पर है, गुड़गांव में, गुरुग्राम जिसको कहते हैं, ठीक है, और सबसे कम तो जिला जिसमें एजुकेशन है तो कौन सा, नुहू जिला है, टोटल जिले, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर बच्चे, मुकुल कुमार, स्टडी विद मी, सूरज कुंड, दोनों बच्चे ने राइट आंसर दिया है, सूरज कुंड का मेला, अजीत चौधरी ने भी राइट आंसर दिया था, ठीक है, अजीत चौधरी जी, बहुत सुंदर, सूरज कुंड का मेला लगता है बेटा फरीदाबाद में, मैंने कहा ठीक है, बात क्या होती है कि एक एक पॉइंट को कई कई पॉइंट से रिलेट करके याद करोगे ना तो जीवन भर वो चीजें रहती है, जैसे आपको कभी जैसे फरीदाबाद याद आया तो आपको तुरंत के तुरंत सूरज कुंड मेला याद आ जाना चाहिए, जैसे ही आपको फरीदाबाद याद आया तो आपको याद आ जाना चाहिए तो सबसे छोटा जिला है एरिया के वाइज से, तुरंत आपको याद आ जाना चाहिए भाई सबसे छोटा एरिया में है लेकिन जनसंख्या सबसे ज्यादा यही ले रहा है, तो 4 पॉइंट याद हो गए, सबसे छोटा है एरिया में, जनसंख्या सबसे ज्यादा ले रहा है, ठीक है, सूरज कुंड मेला भी यही लगता है, ठीक है, 4 पॉइंट याद हो गए आपके तुरंत के तुरंत, ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़े, हवाई अड्डे कितने हैं, ठीक है, हवाई अड्डे याद कर लो, ठीक है, पूछे जाते हैं आपके, जैसे हिसार, करनाल, भीलवाड़ा, अंबाला, सिरसा, कालका, भिवानी, एक बार याद कर लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले लेना, बड़ी मेहनत से बनाया भाई बच्चे ने, बहुत सुंदर। एयरपोर्ट बढ़िया, देखना ये होती है कलाकारी पीपीटी बनाने की, हेलीकॉप्टर, ये तो प्लेन है ना भाई साहब, एयर इंडिया का लगा दिया भैया, बहुत सुंदर। हिसार, करनाल, भीलवाड़ा, अंबाला, सिरसा, कालका, भिवानी, ये क्या है, ये राज्यवार यात्रा के अंतर्गत मैंने आपको करवाए हरियाणा जिले के सारे, आपको क्या करवाए, ठीक है, हरियाणा जिले के सब सब आपको एयरपोर्ट करवा दिए मैंने। उसके बाद अभी अब बात करें हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे भाई, इसके साथ साथ हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री, भाई कैट का पेपर हुआ, पूछा गया प्रश्न यहां से नहीं पूछा गया, पूछा गया था ना आपके एसएससी जीडी में भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया, यहां पर ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन एक बार आपको प्रैक्टिस सेट में भी करवा रखा है, ठीक है, ठीक है। तो हरियाणा का प्रथम राज्यपाल धर्मवीर, हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा। देखो एयरपोर्ट के मामले में कुछ ऐसा होता है, सरकार के द्वारा प्रस्तावित हो जाते हैं वो, तो वो क्या होते हैं, वो मान्य होते हैं, जैसे अभी यहाँ का जो आपका अलीगढ़ के पास बना हुआ है तो वो अभी बन रहा है, तो लेकिन जब डॉक्यूमेंट में दे दी जाता है तो सरकार की तरफ से चढ़ जाता है, जब वहां पर काम चलना स्टार्ट हो जाता है, वेरी गुड। आगे बढ़े, हाँ बहुत सुंदर, अभी एक स्टेट और करेंगे आपका हरियाणा के साथ साथ राजस्थान करेंगे भाई, वहां से जुड़ा हुआ है। उसके बाद फिलहाल कौन है मुख्यमंत्री, एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो,
चलो मुख्यमंत्री और आपके राज्यपाल, सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बता दो स्पीड के साथ कौन कौन से। उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत सबसे पहले कहां से, हरियाणा से हुई है, ठीक है, सबसे कम थी वहां पे बेटी और अब देखो जनसंख्या खूब बढ़ रही है। उसके बाद ठीक है हरियाणा का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान सुल्तानपुर, और देखो इस पे क्वेश्चन भी लगाया एक, ठीक है ऐसे पूछा भी जाएगा आपसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आएगा बेटा। अब बताओ इसका आंसर, बताओ देखता हूं कौन कौन बच्चा बताएगा। चलो इसका आंसर यहां पे मत करना, होमवर्क में करना, कमेंट सेक्शन में, क्लास के बाद में, ठीक है। आगे बढ़े यहां से और कर लेते हैं। भारत की प्रथम सीएनजी ट्रेन चलाई गई थी, भारत की। अब बताओ ये आप फर्स्ट इन इंडिया पढ़ते, फर्स्ट इन इंडिया में, और ये मैं कहां पे पढ़ा रहा हूं, हरियाणा में। तो राज्यवार यात्रा के अंतर्गत ये फायदा होता है, सारी चीज आप यहां पर पढ़ लोगे हर राज्य की। भारत की प्रथम सीएनजी ट्रेन चलाई गई थी आपकी रेवाड़ी रोहतक पैसेंजर, ये चलाई गई थी 2015 में 14 जनवरी को, ठीक है। उसके बाद भारत की पहली प्राइवेट मेट्रो कहां चलाई गई थी आपकी, 14 नवंबर 2013 को गुड़गांव में, वेरी गुड। आगे बढ़े प्राइवेट मेट्रो, उसके बाद देखना दो ही नेशनल पार्क है, एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क और एक कालेश्वर नेशनल पार्क, ठीक है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क आपका लिख भी दिया कहां पर है और कालेश्वर नेशनल पार्क भी लिख दिया कहां पर है, और इसी पे क्वेश्चन भी पूछा है मैंने, ठीक है। तो जिसने बिल्कुल, जो बिल्कुल भी नहीं देख रहा है स्क्रीन की तरफ को, तो उसे तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता चलेगा, वरना इसका आंसर तो आप कर ही लोगे। चलो ये तो मैंने नकल भी करवा दी, ये आप होमवर्क में बताना टोटल कितने नेशनल पार्क है, ठीक है। अभी मैंने बता दिया वैसे कितने नेशनल पार्क है भाई। नदी यहाँ की दो ही इंपॉर्टेंट है, यमुना नदी और घग्गर नदी। मैंने कहा था यमुना नदी नेक्स्ट क्लास में पूरे अच्छे से बताऊंगा। तो देखो यमुना नदी की बात करें, उत्तराखंड में निकल, उत्तराखंड से निकलती, कहां से निकलती है, उत्तराखंड से। उत्तराखंड में एक जिला पड़ता है कौन सा, याद करो मेरे साथ सभी बच्चे, उत्तरकाशी जिला पड़ता है कौन सा, कॉमेंट सेक्शन में बताओ भाई, उत्तरकाशी जिला। उत्तरकाशी जिले में एक पहाड़ी है बहुत बड़ी, ठीक है, एक श्रेणी है जिसका नाम क्या है, बंदरपूछ। क्या नाम है, बंदरपूछ पहाड़ी का नाम है श्रेणी का। इस बंदरपूछ श्रेणी पर एक ग्लेशियर है, बर्फ की एक चट्टान है जिसका नाम क्या है, यमुनोत्री है भाई। क्या नाम है, यमुनोत्री है मेरे लाल। यमुनोत्री से निकलती है भाई कौन सी, यमुना नदी। कौन सी निकलती है, यमुना नदी। अब ये यमुना नदी कहां पर मिलती है, ये गंगा के साथ जब यमुना मिलती है उस जगह को क्या कहलाते हैं, उस जगह को कहलाता है प्रयागराज। वो जगह क्या कहलाती है, प्रयागराज। ये बात सारी समझ में आई मेरे लाल, समझ गए, नहीं समझे तो ध्यान नहीं दिया होगा इसका मतलब। अगर ध्यान दे तो ऐसा होता ही नहीं कि समझ ना आती। ये सीरीज में जब लेके आया ना ये जो राज्यवार यात्रा, मैं थोड़ा अलग लेके आना चाहता था, अलग लेके आया, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको नहीं समझ पा रहे अभी, लेकिन इसको बाद में समझोगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी भी समझ जाओ इस सीरीज को और इसका फ़ायदा उठाओ और इसके नोट्स बनाओ बेटा, इतना फ़ायदा मिलने वाला है, इतना फ़ायदा मिलने वाला है, बहुत सुंदर। लास्ट क्लास में कहा मैं इसको सीरीज को आगे नहीं करूंगा, आपने कहा कि सर कमेंट कर करके कहा कि नहीं सर बेस्ट कंटेंट बेस्ट प्लेलिस्ट कंटिन्यू करो, मैंने कहा चलो भाई कर देते हैं, ठीक है। असीम रोए, गुरुजी तुझसे ग्रेट हो, ग्रेट तो आप हो बेटा, इतनी मेहनत कर रहे हो, ठीक है, इतनी मेहनत करके पढ़ रहे हो, ठीक है, बहुत सुंदर। अश्वनी जी वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत शानदार, जबरदस्त, आगे बढ़े, ठीक है। बहुत सारे बच्चे भाई पश्चिम बंगाल से, बहुत सारे बच्चों का प्यार, आपको भी बहुत सारा प्यार, चलिएगा। अभी देखो वन्य जीव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देखना, हरियाणा की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सी है, देख ले आपका भिंडवाश वन्य जीव अभ्यारण, नाहर वन्य जीव अभ्यारण, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण, असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण। एक बार के में याद नहीं होगी भाई, एक बार के में बिल्कुल याद नहीं होगी, एक बार के में बिल्कुल याद नहीं होगी। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको कम से कम 2 से 3 बार देखना, दो बार, एक बार लिख लेना फिर एक बार पढ़ लेना। ये जितनी भी राज्यवार नोट्स देखूंगा किस बच्चे ने अच्छे से नोट्स बनाए, ठीक है, नोट्स बना के बहुत अच्छे से बस सब बच्चों पीडीएफ बना देना और फैला देना कि भैया मेहनत करो और ऐसी मेहनत, ऐसे नोट्स बनाओ कि सबको दिखाओ कि लो भैया पढ़ो, आप भी पढ़ो, हमने मेहनत की तुम पढ़ो, बहुत सुंदर सुंदर से। हाँ आपका मन करे उस पर लगा देना शिवान सर जीएस, ना करे तो अपना नाम लिख के बांट दो, ठीक है। उससे क्या फायदा होगा कि सबके पास कंटेंट होगा, पढ़ो भाई, नहीं कंटेंट बांटने से कभी कॉम्पिटिशन नहीं बढ़ता, टेंशन मत लेना, घबराना मत, ये सारी चीजें मत सोचना। हाँ कल कर भला तो हो भला, ठीक है भाई। लास्ट स्लाइड, उसके बाद पढ़ेंगे राजस्थान, राजस्थान से कौन कौन बच्चे जुड़े हैं कमेंट सेक्शन में बताएं जब तक, ठीक है। डैम की बात करें,
आपका कौशल्य बांध पंचकुला जिले में यमुना नदी पर है। भाई दो ही नदी है यहाँ पर मेन आपकी, ठीक है, हालांकि और भी बहुत सारी छोटी छोटी नदी है, ये बात याद रखना। सर नोट्स कैसे बनाएं? देखो नोट्स कैसे बनाएं, इस बच्चे ने पूछा नोट्स कैसे बनाएं, एक बात बताओ, सबसे ये नोट्स ही तो बनने हैं। सबसे ऊपर देखो हरियाणा जिला डाला, ये हरियाणा जिला हेडिंग डाला, हरियाणा जिला की मैंने कहा दो चीज लिख लो, स्थापना राजधानी, ये लिख लिया आपने। उसके बाद मैंने फिर कहा ये सारे पॉइंट लिख लो, ये लिखे गए। उसके बाद फिर मैंने ये आपको दिखाया नहीं कि इधर पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान ऐसे जुड़ा है, ठीक है। ये लिखवाने के बाद फिर मैंने कहा ये पॉइंट लिख लो आप, ये लिख लिया आपने। उसके बाद फिर आपने ये पॉइंट लिख लिए, ये सारे आप लिखते चले गए, ये क्या बन गए बाद में भाई ये। और ऐसा करने पर आपके लास्ट स्लाइड आ गई, हरियाणा के डैम लिख लिए, हरियाणा के नेशनल पार्क लिख लिए, हरियाणा का वन्य जीव अभ्यारण लिख लिया, नोट्स कंप्लीट, नोट्स कंप्लीट। ओट्टू बैराज सिरसा जिला में घग्गर नदी पर, ताजे वाला बैराज यमुनानगर जिला में यमुना नदी पर, आपका हथनीकुंड बैराज, हथनीकुंड बैराज पूछा गया भाई ये पिछली बार, अभी जो पेपर मैंने करवाया था ना सीपीओ का एनालिसिस, उसमें करवाया था एक क्वेश्चन। अब बताओ जो बच्चे ने राज्यवार यात्रा में हरियाणा पढ़ लिया और उसको याद होगा कि हथनीकुंड बैराज यमुना नदी पर है, ठीक है, तो वो क्या पेपर में छोड़ के आएगा? चाहे एसएससी पूछो चाहे यूपीएससी पूछो, उसे क्या फर्क पड़ रहा है, उसने तो एक बार अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है। उसके बाद अगनपुरा बांध फरीदाबाद जिला में हकरा नदी पर, ठीक है, आपको जब डैम पढ़ाऊंगा ना इंपोर्टेंट डैम, ये सारे नहीं करवाऊंगा उसमें, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट आपको भागीरथी ये सारे करवा दूंगा, हीराकुंड जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेकिन ये फायदा है स्टेट यात्रा का, राज्यवार यात्रा का, सारे डैम करवा दिए एक राज्य के जितने हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये करने के बाद आपका जो है हरियाणा होता है कंप्लीट, और नेक्स्ट राज्य राजस्थान में एंट्री लेते हैं मेरे भाई, राजस्थान, बोलो भाई जय श्री श्याम, ठीक है, श्री श्याम बाबा का राज्य भी है, ठीक है, और भाई जाते हुए रहते हैं हम यहाँ पर, बहुत ही बड़ा राज्य है, ठीक है, भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। देखो हर राज्य से प्यार करो, ऐसा नहीं भाई मैं यूपी से हूँ तो भाई हरियाणा से क्यों करे, पंजाब से क्यों करे। देखो हम क्या कहते हैं, भारत माता की जय, हम आर्टिकल 1 को कहते हैं इंडिया डेट इज अ भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट, इंडिया अर्थात भारत जो है ना वो राज्यों का संघ है। हम कभी नहीं कहेंगे उत्तर प्रदेश जय, नहीं, हम ये कहेंगे भारत माता की जय। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब जितने भी राज्य हैं वो सभी हमारे लिए समान हैं, क्योंकि हमारे लिए मेन है भारत माता, भारत माता की जयकारा हम लगाते हैं, क्योंकि हमें एक बार गुलामी ने सिखा दिया अगर हम राज्यों में बटेंगे तो हमारा शोषण होगा, अगर हम संघ में रह के काम करेंगे भारत माता को एक पूरे पूरे देश को, तो फिर बातें सही। बहुत सुंदर, कौन गया भाई, आदित्य जी क्या हुआ, हाँ चलो भारत माता की जय बोल के मारो राजस्थान, हाँ सब अपना ही है यार, मारो भी और तुम्हारा भी सब एक ही है। चलो भाई राजस्थान, देखो राजस्थान, श्रीगंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, ठीक है, चुरू, आपका नागपुर, आपका नागौर, जयपुर, अजमेर, ठीक है, भिलवाड़ा, उदयपुर, पाली, जालौर, ठीक है, सारे के सारे इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, क्या क्या यहाँ पर मैटर है, क्या क्या नहीं है, ठीक है। आपको याद रखना है कि आपका हरियाणा 1966, और अगर 1 नवंबर, देखो ऐसे करके 1 नवंबर वाले बहुत सारे हैं, 1 नवंबर वालों की लिस्ट बना लेना बाद में आप, और मैंने एक पीडीएफ दे रखी है आपको, टेलीग्राम हमारा एक है जिसका नाम है भाई रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल, उसमें मैंने एक पीडीएफ दे रखी है राज्य स्थापना दिवस, राज्य स्थापना दिवस, तो उसमें क्या कर रखा है मैंने, सभी राज्यों की स्थापना दिवस दे रखे, राज्य स्थापना दिवस, ठीक है, राज्य स्थापना दिवस। तो गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को, ठीक है, राजधानी क्या है, जयपुर, ठीक है, ये मत याद करना, ठीक है, कि कितनी जनसंख्या है, ये याद कर लेना कि क्षेत्रफल में सबसे नंबर 1 पे है। टोटल जिले कितने याद करने, 33 बस, हाँ ये जरूर याद करने जो चीजें हैं ना, कि जैसे उत्तराखंड को क्या कहते हैं, देवभूमि, हिमाचल प्रदेश को देवताओं की भूमि कहते हैं, एप्पल स्टेट कहते हैं, फलों की टोकरी कहते हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश को मैंने बताया बहुत सारी चीज कहते हैं, दालों का प्रदेश कहते हैं, नदियों का मायका कहते हैं, सोयाबीन प्रदेश कहते हैं, ऐसे याद रखना। राजस्थान का राज्य का प्राचीन नाम जो है आपका मरुकांतर या राजपुताना है, क्या है, राजपुताना, ठीक है, ठीक है। हरियाणा ते राम राम भाई, आपको भी राम राम। चलिए पढ़ ले बेटा, अब राजस्थान का राज के खेल, जैसे अभी हरियाणा का क्या बताया था भाई मैंने, हरियाणा का राज के खेल क्या बताया था, देखते हैं कितने बच्चों को पता है।
सेशन को शेयर क्यों नहीं कर रहे हो? जो ये लाइव की संख्या है ना, ये ऐसे ही नहीं चलनी चाहिए, ये ऐसे जानी चाहिए, ये तो अपने आप बढ़ रही है। सेशन को शेयर करो, जब मैंने कहा ना यहां से शेयर, ऐसे सेशन को शेयर करो भाई सभी साथी। एक बार हर बच्चा अच्छा लगा सेशन तो स्टेट अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस जरूर लगाएंगे अभी के अभी। जल्दी जल्दी हरियाणा का बताइए, क्या बताया था मैंने राज्य के खेल? चलो भाई याद तो है, विशु विशाल के याद है, मोनिका के याद है, स्टडी आदित्य प्रीति रूबी करण चौधरी, ठीक है, विजय लक्ष्मी गीतांजलि भाई आदित्य जी बहुत सुंदर, अजीत बहुत सुंदर, अच्छा करण चौधरी, शर्म कर ले बेटा शर्म कर ले, झंडा तू लगा रहा है भगवा, नहीं वो तो दूसरा है। करण चौधरी पढ़ ले बेटा, बहुत बहुत मिलेगा, बहुत मिलेगा, छक जाएगा तू, दुनिया भर के रिश्ते आएंगे तेरे, पढ़ ले जब तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। काहे कहाँ कमेंट में तू आज की जता रहा है, ये माउस क्यों नहीं चल रहा? जल्दी 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 अरे गर्मी लग रही है, आ गया अंदर एक। हाँ बेटा पीडीएफ मिलेगा, रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा, ठीक है। चलो भाई राजस्थान का खेल, जैसे मैंने हरियाणा का बताया था कुश्ती, राजस्थान का राज्य के खेल है बास्केटबॉल, और राजस्थान का लोक नृत्य जैसे मैंने हरियाणा का बताया था अभी आपको सांग, हरियाणा का सांग बताया था आपको, याद रखना है कि राजस्थान का क्या है घूमर, याद रखना है। तो राजस्थान का घूमर, हरियाणा का सांग, और राजस्थान का बास्केटबॉल, तो हरियाणा का क्या बताया था मैंने कुश्ती, ठीक है ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद राज्य की विधायिका, तो मैंने बताया था जैसे वहां पर याद रखना है सेम 10, वहां पर क्या थी 90, ठीक है। अच्छा ये तो उल्टी हो गया ना, यहाँ पर विधान, जैसे वहां पर क्या थी 90 10 5, 90 कितनी थी विधानसभा की, ठीक है, 10 लोकसभा की और 5 राज्यसभा की, ये हरियाणा की बताई थी मैंने अभी। तो अब याद करो यहां पर राज्यसभा की कितनी है 10 है क्योंकि बड़ा स्टेट है, ठीक है, लोकसभा की कितनी है 25 है, ठीक है, और राज्य में विधानसभा कितनी है 200 है, ठीक है, लगभग 110 ज्यादा है, लगभग लगभग 110 ज्यादा है, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन आ जाता है उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में है, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में है, तो अलवर में। अभी मैं इसको पूरा डिटेल में यहां पर करवाऊंगा अभी आपको, ठीक है। हाँ ये दोनों के दोनों कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए अभी के अभी, ठीक है। इस पर लिख रखा है क्या इन्होंने, देखो हाँ लिख रखा है फिर तो ठीक है, कलराज मिश्र और प्रथम राज्यपाल तो ये श्री गुरमुख निहाल सिंह जी, मुख्यमंत्री नहीं थी इस पर, अच्छा ये रहे प्रथम मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल और वर्तमान में अशोक गहलोत, वर्तमान में कौन है भाई अशोक गहलोत।
चल रहा है ये, मुझे लगता है इसी की वजह से हो रहा है। बस लाइव करो, ऊपर से माउस काम नहीं कर रहा क्या? नमस्ते नमस्ते। चलिए थैंक यू सो मच सर। अरे अरे देखो, गुलाबी नगर कौन सा है? जयपुर। भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। आपका बावड़ियों का शहर बूंदी। स्वर्ण नगरी किसको कहा जाता है? जैसलमेर को कहा जाता है। राजस्थान का कामधेनु किसको कहा जाता है? चंबल नदी को कहा जाता है। ठीक है, नहीं थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था। ठीक है, अब ठीक हो गया। इधर से ना थोड़ा स्क्रीन ना जाम हो गई थी, मुझे लगा कि ये सेशन हैंग हो गया। ठीक है, चलिए अब देखो कुछ इंपोर्टेंट वाटरफॉल जो पूछे जाते हैं राजस्थान के, तो सभी बच्चे लिखेगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार सभी साथी सेशन को शेयर करेंगे। बिल्कुल बेटा, पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। जैसे पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश का भी बताया आपको, मध्य प्रदेश का भी बताया, ऐसे राजस्थान के भी और सारी चीज बताई जैसे। ठीक है, राजपूताना। अब देखिए चूलिया जलप्रपात, ठीक है, जो वाटरफॉल ये किस नदी पर पड़ता है बेटा? चंबल। और चंबल नदी कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश की जानपाव पहाड़ी से निकलती है। मध्य प्रदेश की जानपाव पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, हाँ ठीक है। और ये आपका भैसरोगढ़ कोटा, ठीक है, इसका स्थान है। भीमताल जलप्रपात ये आपका मांगली नदी पर है, और भीमताल ये बूंदी यहां पर स्थान पड़ता है राजस्थान में। मेनाल जलप्रपात मेलाल नदी पर है। ठीक है, मेनाल जलप्रपात कहां पर है? मेलाल नदी पर है। उसके बाद दिर जलप्रपात आपका काकुंड नदी पर है, ये जो आपका पड़ता है आपका टोडगढ़ रावली में। ठीक है, और भीलबेरी जलप्रपात कहां पर पड़ता है? ये आपका पाली में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? पाली में। ठीक है, ये वाटरफॉल लिख लिए सभी ने। उसके बाद यहां के कुछ आपको लिखने हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये फोटो ले लीजिए बेटा फटाफट। ठीक है, अब मैं इसको देखी, जो इंपॉर्टेंट है वन विहार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई कई बार पूछा गया है। ठीक है, धौलपुर में। ठीक है, उसके बाद अगर ऊपर से ही बात करें, नहीं पूछा गया तो बताओ बेटा सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी कितनी बार पूछा गया है? पूछा गया, नहीं पूछा गया बताओ। ठीक है, रामगढ़ नहीं पूछा गया इतना, केशर नहीं पूछा गया, वन विहार पूछा गया, केला देवी 100% कई कई बार पूछा गया भाई, सवाई माधोपुर में, करौली सवाई माधोपुर में, जवाहर सागर, ये जवाहर सागर कई कई बार पूछा गया भाई। ये आपको क्या रखना है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नोट डाउन कर लेना अपने नोट्स में। ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद टाइगर रिजर्व, किसकी बात कर रहे हैं? टाइगर रिजर्व की बात कर लेते हैं। कितने है? मात्र 3 है, छोड़ना मत कोई सा भी, लिख लेना। ठीक है, और परमात्मा ने चाहा ना एसएससी जीडी में यहां से क्वेश्चन आएगा। बता दो भाई कहां से हो? अरे अमन सिंह, पढ़ ले बेटा।
चलो लिख लिया भाई। तो जैसे राज्य का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला मैंने कहां पर बताया था आपको, गुड़गांव में हरियाणा में, ऐसे यहां पर याद रखना है कोटा में है, ठीक है कोटा में, ठीक है। और सबसे न्यूनतम आपका जालोर में, कहां पे बताया जालोर में, कहां के बताया राजस्थान के, ठीक है। एक चीज यहां पर याद रखना, ठीक है, राजस्थान, ठीक है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार जो आपकी वहां पर शेड्यूल ट्राइब्स है वो कौन कौन से, भील है, भील गराशिया है, ढोली भील है, डोंगरी भील है, डोंगरी गराशिया है, मेवासी भील है, रावल भील है, तड़वी भील है, भगालिया है, भिलाला है, पावरा है, बसावा है, बसावे है, ये याद करनी पड़ेगी, ठीक है ठीक है। आगे बढ़े, राज्य के पशु चिंकारा, ठीक है, और राज्य के घरेलू पशु, देखो दो याद है, राज्य के पशु पूछा जाए तो ऊंट मत लगा क्या जाना आपका, ठीक है, राज्य के पशु आप क्या बताएंगे, ठीक है, तो आपका चिंकारा, और ठीक है, और राज्य के घरेलू पशु तो आपको ऊंट बताना है, ठीक है, कभी ऊंट लगा के आ जाओ, ठीक है। पॉलिटिकल एनिमल आपका चिंकारा, राज्य के वृक्ष खेजड़ी, और राज्य के पुष्प रोहिड़ा के फूल, और लोक नृत्य कौन सा है यहां का, घुमरिया, ऑलरेडी मैंने पहले ही बता दिया आपको, ठीक है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रमुख नदियां, देखो यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है, साबरमती, ठीक है, अगर हम बात करें माही, या हम पूरी की बात कर लेते, गोमती, चंबल, जवाई, घग्गर, कालीसिंध, बनास, इन सब की बात कर लेते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है लूनी है, और उसका एक पॉइंट है, ये इंटरनल रिवर है, क्या है, इंटरनल रिवर है, ये कैसी है, आंतरिक नदी है, कैसी है, आंतरिक नदी है, ठीक है। आंतरिक नदी मतलब जिसका सोर्स भी आपका जमीन से है, और जिसका आपका रिवर माउथ भी आपका जमीन पर ही है, ठीक है, दोनों पॉइंट याद रखना है ये वाली बात, ठीक है। उसके बाद राजस्थान के भाई आपको इंपोर्टेंट, आपको इस पर्यटन स्थल याद रखने हैं, ठीक है, जब अच्छी खासा आपका पॉकेट मनी हो जाएगी, और देखो लाइफ में घूमना बहुत जरूरी है, ठीक है, घूमना बहुत जरूरी है, ठीक है ठीक है। उसके बाद हवा महल, ये कहां पर है आपका, ठीक है, हवा महल कहां पर है, राजस्थान में, सिटी पैलेस जयपुर राजस्थान में, ठीक है। जल महल कहां पर है, ये भी आपका राजस्थान में। चित्तौड़गढ़ फोर्ट कहां पर है आपका राजस्थान में। जंतर मंतर, ये भी आपका राजस्थान में। जैसलमेर किला राजस्थान में। नाहरगढ़ किला राजस्थान में। आपका जयगढ़ किला राजस्थान में। रणथंभौर किला राजस्थान में। उसके बाद पुष्कर लेक राजस्थान में है, ठीक है। उसके बाद गुरु शिखर की बात करें, गुरु शिखर वही है जो दोस्तों आपका सबसे हाईएस्ट पीक भी है अरावली की, ठीक है ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है, नेशनल पार्क याद कर लेना, कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको लिखने ही लिखने हैं, जैसे रणथंभौर नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, ये आपके यहाँ के क्या है, नेशनल पार्क है, ठीक है, ये क्या है, नेशनल पार्क है। अब आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है भारत, इसका आपका ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए, विच इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क कैपिटल ऑफ राजस्थान, तो आपको क्या बताना है, रणथंभौर। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, साथ ही साथ भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए जल्दी जल्दी, सबसे छोटा नेशनल पार्क, स्पीड के साथ आंसर दिखना चाहिए, सभी साथी आंसर करेंगे। बेटा सबसे सबसे बड़ा नेशनल पार्क पूछा हूं मैं, वेरी गुड भाई, जिन्होंने हेमिस नेशनल पार्क का आंसर दिया, वेरी गुड, हेमिस, बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। हेमिस कहां पर है आपका,
लद्दाख में। एक बार सभी साथी सेशन को शेयर करेंगे जिसने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है, ठीक है। और सबसे छोटा बेटा साउथ बटन, साउथ बटन कहाँ पर है बेटा? जैसे ये आपने बताया ये हेमिस है, हेमिस कहाँ पर है? ये हेमिस बेटा लद्दाख में है। कहाँ पर है? लद्दाख में है। सबसे छोटा नेशनल पार्क कहाँ पर है? बटन नेशनल पार्क है। ये कहाँ पर है? अंडमान एंड निकोबार में है। कहाँ पर है? बटन नेशनल पार्क है, अंडमान एंड निकोबार में है, ठीक है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। चलिए अच्छा आप पूछ, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पहला है, ठीक है, वो कहाँ पर है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पहला है वो कहाँ पर है? बहुत शानदार, बहुत सुंदर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर बेटा। चलिए सेशन को शेयर भी करते रहिए साथ ही साथ। हाँ अगर राजस्थान का पूछे तो आपको बताना है रणथंभौर नेशनल पार्क। क्या बताना है? रणथंभौर नेशनल पार्क, ठीक है। और राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे छोटा, देखो अगर सबसे बड़ा यहां पर रणथंभौर है तो सबसे छोटा कौन सा है? वेरी गुड बेटा, उत्तराखंड करने वाला आंसर बिल्कुल सही, उत्तराखंड। सन और बता दो, चलो बताओ किस सन में बना था आपका, ठीक है। जिम कोर बताओ भी, सन बताओ, सबसे पहला जो नेशनल पार्क बना था वो किस सन में बना था, ठीक है। साथ ही साथ दो कमेंट और मैं आंसर चाहिए मुझे कि उत्तराखंड की दो राजधानी है, एक तो गैरसैन है, एक तो गैरसैन है और एक है मेरे लाल, कौन सी, कौन सी दूसरी बताओ। एक तो गैरसैन मैंने बता दी, एक दूसरी और है। वेरी गुड ठाकुर साहब, बहुत सुंदर भाई शिखा ठाकुर, वेरी गुड भाई, बहुत सुंदर एसएससी लेवल, वेरी गुड बेटा। विजेंद्र गौतम बहुत सुंदर, प्रमोद तिवारी बहुत सुंदर बेटा, अमन वेरी गुड, 1935 बहुत सुंदर भाई, मोनिका शर्मा, बीके सिंह वेरी गुड। चलो देखो आंसर गलत ये नहीं होता, गलत सही की बात है, आंसर ये होता है कि आप कितने आंसर कर रहे हो, पता इससे चलता है कि हाँ आप चीजों को समझ रहे हो, चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हो। नहीं, देहरादून बिल्कुल सही आंसर। अगर यहां पर पूछा जाए सबसे बड़ा रणथंभौर है, ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है, केवला देव नेशनल पार्क सबसे छोटा है, केवला देव नेशनल पार्क सबसे छोटा है, ठीक है। एक क्वेश्चन और भी याद रखना, जैसे आपसे मैंने पूछा कि भाई स्टेट में जब मैं करवा रहा हूं तो मैं पूरी राज्यवार यात्रा में सारी चीजें करवाऊंगा, आपसे पूछा जाएगा कि भारत में पंचायत जो है वो कहां से कब की गई, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से की गई। तो नागौर राजस्थान में सबसे पहला जिला है जहां पर पंचायती राज शुरुआत की गई, तो ये खासियत है आपकी राज्यवार यात्रा की, ये खास बात है राज्यवार यात्रा की, ठीक है बेटा। वेरी गुड, आगे बढ़े। हाँ तो देखो जैसे एक बच्चा कह रहा था सर नृत्य भी करवा दो, तो बेटा सब्र करो, सारी चीज कराऊंगा, ये राजस्थान के नृत्य है। देखो घूमर नृत्य कहां से है? राजस्थान से। घूमर नृत्य कहां का है? राजस्थान का है, ठीक है। ढोल नृत्य कहां का है? राजस्थान का। झूमर कहां का है? राजस्थान का। डफ कहां का है? राजस्थान का, ठीक है। आपका अग्नि नृत्य, बम डांस, डांडिया, लंगूरिया बिंदु, देखो लंगूरिया हनुमान जी की पूजा के लिए किया जाता है, औरतें करते हैं इसको। आपने इधर भी गरबा नृत्य, खारी, झांझी, भैरव, ये सारे के सारे नृत्य कहां के? राजस्थान के बेटा। ये स्लाइड मैंने सेम टू सेम आपका सीपीओ से पहले भी दी थी, हेड कॉन्स्टेबल से पहले भी दी थी और अब भी दे रहा हूं, यहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ऐसे में महोत्सव, आपको महोत्सव भी एक अलग वीडियो में दूंगा और साथ ही साथ मैं पीडीएफ भी दे रहा हूं, ठीक है। उसके अलावा एक लास्ट पॉइंट बचे एयरपोर्ट के, ठीक है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोटा एयरपोर्ट, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट, जैसलमेर एयरपोर्ट, किशनगढ़ एयरपोर्ट, भरतपुर एयरपोर्ट, सिविल एयरपोर्ट, नागौर एयरपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है, इनको लिखना चाहो लिख लेना, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट आज के उसमें, ठीक है। अभी देखो यूपी हो चुका है हमारा, एमपी हो चुका है, उत्तराखंड हो चुका है, हिमाचल प्रदेश हो चुका है, ठीक है, हरियाणा हो चुका है, राजस्थान हो चुका है, कितने राज्य हो चुके? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। अब बहुत देर से बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे एक चीज को लेके कि सर 45,000 वैकेंसी जो है हमारी किसकी है? एसएससी जीडी की है, और लगभग 5,000 वैकेंसी हमारी किसकी है? सीएचएसएल की है। तो दोस्तों टोटल बैठती है 50,000 वैकेंसी, कितनी बैठती है? 50,000 वैकेंसी, और 50,000 वैकेंसी में से एक सीट आपकी पक्की, कैसे सुन लीजिएगा कुछ इंपॉर्टेंट बातें, 50,000 सीट में से 50,000 सीट आई है, 50,000 सीट में से एक चाहिए आपको,
किस किस को चाहिए कमेंट बताओ, कमेंट करके। एक रामबाण दूंगा बेटा आज, जिसको 50,000 सीट में से एक चाहिए। जल्दी जल्दी बताओ, मैं भी शेयर कर देता हूं। सेशन को शेयर कर दो, फिर कुछ बात बता रहा हूं। हम सबको चाहिए ना, वेरी गुड। चलिए एक काम करेंगे, जो मैं बोलूंगा आप देखो, जीएस मैथ रीजनिंग हिंदी या इंग्लिश, ये चार चीज मैं आपको बता रहा हूं, चारों चीजें आपको बिना कोचिंग के, बिना एक रुपए खर्च किए बता सकता हूं मैं। चारों चीजों में एक रुपया खर्च मत करना। यूट्यूब यूट्यूब से मैं आपको बता देता हूं क्या क्या पढ़ लो कि आपका हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैथ का पूरा एक सिलेबस लिखना है, और मैथ के सिलेबस के लगभग 10 चैप्टर है, 10 के 10 चैप्टर आपको लिख लेने अपने पेज पे। लिख लोगे इतना काम कर लोगे, ठीक है, ओके, इतना काम कर लोगे। 10 के 10 चैप्टर नाम वाइज, जैसे परसेंटेज एक चैप्टर है, परसेंटेज में आदित्य सर की एक वीडियो कंप्लीट देख लेना, ठीक है। ऐसे करके चैप्टर वाइज लगभग लगभग 4-5 चैप्टर की तो सर ने पूरी एक एक वीडियो डाली रखी है रामबाण की। उसके अलावा 50 दिन 50 मैराथन जो चल रही है, उसमें जो टॉपिक वाइज करवाया है, अगर वो लेवल के क्वेश्चंस आप स्पीड के साथ कर लेते हैं, उसकी जितनी सीट प्रैक्टिस सेट दे रखी है सर ने वो कर लेते हैं तो खत्म। उसके अलावा मैथ कंप्लीट, रीजनिंग में जो सर ने अभी करवा रखा है, पहले अपना सिलेबस देखिए, जो जो चैप्टर वाइज सर ने मतलब सारा ही कंटेंट दे रखा है, सर्च चैप्टर का नाम, सर का नाम, टॉपिक निकल जाएगा, वो सारा लेटेस्ट में करवा रखा है। 50 दिन 50 मैराथन ले लो, 25 दिन 25 मैराथन ले लो, 60 दिन 60 मैराथन ले लो, इन तीन से अलग कुछ नहीं ढूंढना, इन तीनों को करना है उसके अलावा, ठीक है। ये दोनों सब्जेक्ट एक ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं, पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं। जीएस की मैं पूरे में से पूरे की बात नहीं कर रहा, लेकिन तरीका बताऊंगा, यहाँ पे भी मैक्स टू मैक्स नंबर ला सकते हैं आप, ठीक है। हिंदी में लुसेंट की बुक पढ़ सकते हैं, या कोई टीचर आपके पास अच्छे लेवल का जिसे आप समझते हो उससे कर सकते हैं। जीएस में क्या करिए, जो नीतू ढाका मैम साइंस करवा रही है, या आज से जो साइंस करवा रही है, उस साइंस को फॉलो कर लेना। उसके अलावा, ठीक है, करंट अफेयर में, करंट अफेयर में आप एक काम करो, पिछले 12 महीने की करना चाहते हो तो जो वीकली सर ने करवा रखी है, अभी सीजीएल के लिए करवाई थी, उसको रिवीजन कर लेना। या कोई बच्चा पिछले 6-6 महीने की मैगजीन पढ़ना चाहता हो तो 30-30 रुपए खर्च करके 60 रुपए में रैंकर्स गुरुकुल की जो एप्लीकेशन है आरजी विक्रमजीत, वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकता है। उसके अलावा मैं 2 क्लास आपको बता रहा हूं जो आपको नहीं छोड़नी, 4:30 वाली नहीं छोड़नी आपको, 4:30 बजे मेरी क्लास ये मत छोड़ना। कल से आपको अभी के अभी इवेंट मिल जाएगा स्टैटिक जीके, ठीक है, स्टैटिक जीके आपको मिल जाएगा, ये कंप्लीट मैं करवाने वाला हूँ। इसके अलावा 3 क्लास और चलती, सुबह हिस्ट्री की चलती है सर की, शाम को मैम की भी चलती है। अगर आप स्टैटिक जीके की क्लास करते हो तो बहुत सारा आप में मतलब आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस खुद पे खुद आप 3 से 4 क्लास करोगे तो आपको फायदा मिलने वाला है। उसके अलावा जिस बच्चे का एग्जाम SSC GD का, उसके अलावा भी कुछ और है, यूपी पुलिस वगैरह भी देना चाहता है, और भी एग्जाम देना चाहता है, तो कंप्लीट थ्योरी, ऑल कंप्लीट जीएस की, जिसमें पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ हो, विद स्टैटिक जीके थ्योरी वाइज चैप्टर वाइज चल रही है आपकी किस चैनल पर, एक चैनल का नाम है RG State Exam। आज इस चैनल पर आपको मिलेगा फंडामेंटल राइट्स का पूरा निचोड़,
फंडामेंटल राइट की एप्लीकेशन पे भी 3 से 4 क्लास करवाता हूँ, यूट्यूब पे भी 3 से 4 क्लास करवाने वाला हूँ, कंप्लीट मूल अधिकार हो जाएगा। आप ये इतना सारा फॉलो कर लेना बेटा, एसएससी जीडी में 1 सीट आपकी पक्की, एसएससी जीडी हो या सीएचएसएल दोनों को मिला के 50,000 सीट बनती है। सेशन कैसा लगा एक बार कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। सेशन कैसा लगा एक बार शेयर जरूर करना और बताना कि कैसा लगा सेशन, कैसा नहीं। 6 बजे ठीक आप मिल जाना आरजी स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर, टॉपिक का नाम है मूल अधिकार। सेशन में आना नहीं भूलने का सभी बच्चे, मूल अधिकार, ठीक है, ओके। सेशन को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कैसे लगे कैसे नहीं। कोई भी कोर्स मत लेना क्योंकि अभी टाइम नहीं है बेटा, एसएससी जीडी के लिए आप कोर्स ले लो, जो मैंने मैराथन सजेस्ट की वही कर लेना, 100% होगी भाई विजयलक्ष्मी, ठीक है। बाय, टेक केयर, सभी को राम राम, जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत, ठीक है। हाँ, ये लाइव चैट होती है इसके बाद, ठीक है, इसके बाद बेटा, इसके बाद जो अभी एंड स्ट्रीम हो जाएगा, नीचे कमेंट सेक्शन आएगा, उस कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे फीडबैक देंगे। अगर 1 घंटा क्लास देख सकते हो तो बाद में फीडबैक देना जरूरी है आप सभी को। जो बच्चा मेंस का कोर्स लेना चाहता है, एप्लीकेशन पे कोर्स आ चुके हैं, आप कोर्स ले सकते हैं। मैं एक ही सजेशन दूंगा कि भाई मेंस लेना है तो कॉम्बो ले लेना। अगर ये है कि थोड़ा खर्च कर सकते हो, 2499 में आपकी जो है ये 3 स्टार 3 स्टार 3 स्टार, एक खा खुद आप 7 स्टार बनने का मौका बार बार नहीं मिलता है, ठीक है। तो चलिएगा, बाय, टेक केयर, जय हिंद।